anything about gaming. So आज हम बात करने वाले हैं Windows 11 के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि October 5 को Windows 11 का official release था and बहुत सारे मेरे gamers जिसने ये release download भी किया, install भी किया। पर इसके बाद एक चीज notice हुई कि जब आप Valorant ये game खेल रहे हो, तो वो start नहीं हो रही है। तो मैंने भी बहुत सारे research की and तब पता चला कि अगर आपको Valorant चलानी है Windows 11 पे तो आपको Secure Boot ये ऑप्शन enable करना होता है। तो आज इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि Secure Boot और कैसे करते हैं उसके BIOS में। तो let's go and check it out, but before that please do like and subscribe to the video। तो अभी मैंने Valorant चालू की है, तो मैं आपको ये error दिखाऊंगा। तो ये देखिए ये एरर है, दिस बिल्ड ऑफ वैनगार्ड रिक्वायर्स टीपीएम वर्जन 2.0 एंड सिक्योर बूट टू बी एनेबल इन ऑर्डर टू प्ले। तो अभी मेरे पीसी पे टीपीएम वर्जन 2.0 ये एक्टिव है पर सिक्योर बूट नहीं है। तो सिक्योर बूट आप कैसे चेक कर सकते हैं, आप सर्च में जाइए एंड यहाँ पे सिस्टम इंफॉर्मेशन और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सिक्योर बूट है ये ऑफ है। तो अभी इसको हमें ऑन करना है, एक्टिव करना है। तो ये कैसे करते हैं मैं अभी आपको ये वीडियो में दिखाऊंगा। तो ये ऑन करने से पहले आपको ये मेक श्योर करना रहता है कि आपकी जो हार्ड ड्राइव है जिस पे OS चल रही है उसका जो पार्टीशन स्टाइल है वो GPT होना चाहिए। तो उसके लिए अगर आपको पता नहीं है कि आपकी पार्टीशन स्टाइल GPT है या नहीं, तो उसके लिए चेक करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट में जाइए, यहाँ पे डिस्क पार्ट टाइप करके एंटर कीजिए और यस कीजिए। अभी यहाँ पे कमांड है डिस्क। आपके हार्ड ड्राइव कंप्यूटर में भी एक ही ड्राइव होगी, तो यहाँ पे डायनामिक और GPT। तो अभी मेरी जो इसमें विंडोज की ड्राइव है वो GPT ड्राइव है। तो बस ये आपको एक बार कंफर्म करना है ताकि आप वो जो सिक्योर बूट है वो ऑन कर सकें। तो सिक्योर बूट ऑन करने के लिए आपको PC रिस्टार्ट करना है और आपके BIOS में जाना है। तो BIOS में जाने के लिए इधर प्रेस डिलीट और F2 अकॉर्डिंग टू योर मदरबोर्ड। आगे हम अपने BIOS सेटिंग्स में, तो यहाँ पे अभी मेरा जो मदरबोर्ड है वो गीगाबाइट का और D450V2 है लाइक। तो इसमें अभी BIOS में जाके सबसे पहले आपको CSM सपोर्ट जो है वो डिसेबल करना है। तो CSM सपोर्ट डिसेबल हो गया तो यहाँ पे आपको सिक्योर बूट का ऑप्शन आएगा। अगर सिक्योर बूट का आपको ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है तो एक बार आपको ये सेटिंग सेव करके फिर से BIOS में जाना है, तो फिर आपको ये सिक्योर बूट दिखाई देगा। अभी सिक्योर बूट पे एंटर कीजिए, अभी यहाँ पे ये डिसेबल है एंड नॉट एक्टिव स्टेटस है। तो डिसेबल में आपको ये एनेबल करना है, तो ऐसा एक मैसेज आएगा, तो इसको ओके करना है। अभी नॉर्मली सिक्योर बूट मोड ये स्टैंडर्ड मोड पे रहता है, तो इसको आपको कस्टम सिलेक्ट करना है एंड कस्टम सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको की मैनेजमेंट में आना है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि एनेबल करने के बावजूद भी यहाँ पे उसका स्टेटस नॉट एक्टिव है, तो ये हमें एक्टिव चाहिए। तो की मैनेजमेंट में जाके यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कई सारी कीज़ दी गई है,
तो इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो जस्ट गो अहेड एंड डिलीट एवरीथिंग। एंड जब ये मैसेज आएगा रिसेट विदाउट सेविंग तो इसको नो कीजिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो कीज है वो 00 हो गई है। ये होने के बाद सेव एंड एग्जिट। इसके बाद फिर से एक बार बायोस में जाना है। तो वंस अगेन हम आ गए अपने बायोस में। यहाँ पे फिर से गो इनटू सिक्योर बूट एंड अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये एक्टिव हो गया है। तो अगेन सेव एंड एग्जिट। अभी नॉर्मली आपका पीसी स्टार्ट होने दो। जब आपका पीसी स्टार्ट होने के बाद अगेन टाइप 16 इंफॉर्मेशन। यहाँ पे अभी जो सिक्योर बूट स्टेट है वो आपको ऑन दिखाई देगा। तो अभी आपका सिक्योर बूट जो है वो ऑन हो गया। अभी जब आप इससे वेलोरेंट खोलोगे तो नाउ यू विल बी एबल टू प्ले वेलोरेंट इजीली। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब तक आप सिक्योर बूट ऑन नहीं करते हो तब तक आपका जो वेलोरेंट है वो प्ले नहीं होगा। तो दैट्स इट गाइस, ये थी आज की वीडियो। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।